अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे, मज़े में होंगे, खूब इंजॉय कर रहे होंगे। अल्लाह पाक का शुक्र है, हम भी ठीक है, फिट फाट है, मज़े में है। इस छिपली ने हमें 2-3 दिन से बहुत तंग कर रखा है, ये बाहर नहीं जा रही। यहाँ ठंड होती है तो यहीं रहती है, और जब हम इसी बंद करते हैं तो दरवाज़े वगैरह बाहर के खोलते हैं तो ये ना पर्दे के पीछे छुप जाती है। तो आज सुबह काम करने के बाद हमने इस चारपाई को कलर कर दिया। ये छोटी सी चारपाई थी जो हमने रखी हुई थी कि कहीं भी छत पे या नीचे लेके जानी हो तो हमें बहुत आसानी होती है, लेकिन इसका कलर ख़राब हो गया था तो इसको हमने बनवाना है। तो वो काम करने के बाद मुझे चाय की तलब महसूस हो रही, तो मैं अपने लिए चाय बना रही। तो मैंने है मेरी अम्मी जान ने कहा कि मेरे लिए बना दो, तो मैंने कहा कि उन्हें अम्मी आपके लिए भी बना दूंगी, लेकिन वो हमेशा छोटा कप लेती हैं और बनाने से पहले कहती हैं कि मैंने छोटा कप ही चाय का लेना है। तो ये उनका बन गया जी, और अब हमने आपको एक ज़बरदस्त चीज़ दिखानी है और बड़ी यूनिक चीज़ दिखानी है। ये देखिए हमें गिफ्ट मिला है जी, ये जायनमाज़। और यहाँ हम बहुत आसानी के साथ, अगर आपके घर में कोई बुज़ुर्ग है, ख़वातीन है या मर्द है, जो भी है, जिसे उठ के नमाज नहीं पढ़ी जाती, टेक लगा के नमाज़ पढ़ना आसान लगता है, तो उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। मैं आपको भी खोल के दिखाती हूँ। तो ये मैंने इसको खोल दिया है, तो ये देखें ज़रा इस शेप में ये बना हुआ है माशाल्लाह से। इसके साथ टेक लगा के आप जैसे मर्जी जहाँ मर्जी रख के पढ़ सकते हैं, आपको दिक्कत महसूस नहीं होगी। बड़ी आसानी के साथ अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ये ज़रूर ख़रीद लें, मेड इन चाइना है। और जब मैंने ये तमाम काम ख़त्म कर लिए तो शाम का टाइम था और मुझे खाना बनाना था। खाने बनाने में हम आज बना रहे थे काले चने, और ये मैंने उबलने के लिए रख दिए हुए थे, और ये उबलने के बाद कुछ इस हालत में आ गए हैं। इस जो भी ऊपर ये लहसुन वगैरह पड़ा हुआ है इसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि अभी ये भूनने वाले हैं। जब इसको भून लिया जाएगा तो ये तमाम इसके अंदर गायब हो जाएंगे। तो ये देखिए जैसे मैंने इसको भून लिया, पानी डाल दिया, तो कोई भी चीज़ ऊपर नहीं आ रही। तो ये इसकी फाइनल लुक है, माशाल्लाह से कितना खूबसूरत इसका कलर आया है। मुझे लगता है आपको लाइट की वजह से ना नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन बहुत बेहतरीन था, क्योंकि मैंने फ्लैश लाइट जो होती है वो हमेशा मेरे कैमरे की ऑन रहती है। तो ये एक मेरे हाथ में मोबाइल था, इसको मैं ऐसे कट नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने मोबाइल रखा और फिर ये कट करके आपको दिखाना था। ये जैतून का तेल है, और ये अगर आपके हेड में पेन है या किसी भी जिस्म के हिस्से में पेन है तो आप इसकी जो है ना मसाज करके अपनी तकलीफ को ख़त्म कर सकते हैं। तो मैंने इतना बड़ा डिब्बा लेके घूमने से अच्छा कि बच्चे सारा गिरा के ख़राब कर दे, उससे बेहतर है कि मैं इसको सेवली सेव कर लूं। और इस मैंने छोटी सी लिए जो मेरी रोज़ वाटर की ख़त्म हुई थी उसमें मैंने डाल के, और इसको मैंने बहुत ऊँची जगह पर रखा जहाँ बच्चों का हाथ ना पहुँच सके। और ये फेवर क्रीम के बारे में मुझे आपको बहुत पहले बता देना चाहिए था, लेकिन मैं आज बता रही हूँ क्योंकि एक हमने ख़त्म किया है और ये दूसरे हम ओपन करने जा रहे हैं, क्योंकि मेरे वाल साहब को भी और मेरे भाई को भी घुटनों का, मेरे भाई को तो बैक पेन का मसला है, तो उनके लिए ये बाई सऊदी अरेबिया से मंगवाई है। ये तुर्की से पता नहीं पाकिस्तान से मिलती है कि नहीं, लेकिन बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। अगर आप लेना चाहिए तो 100% आप ले सकते हैं इसको और इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह की इसकी पैकिंग है, इसके ऊपर इंग्लिश नहीं लिखी होती, इसके ऊपर आपको तुर्की ज़बान पढ़ने को मिलेगी। तुर्की ज़बान में इसके ऊपर तमाम डिटेल लिखी हुई है, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। इसके ऊपर कॉस्मेटिक भी लिखा हुआ है, आपने अगर इंटरनेट से सर्च करना है इसकी इंफॉर्मेशन तो आप कर सकते हैं, लेकिन बहुत बेहतरीन चीज़ है। और शाम का वक्त था, मैंने खाना वगैरह तो बना लिया था, लेकिन मेरा दिल नहीं चाह रहा था मैं खाना खाऊं, इसलिए मैंने चाहा 2-3 खजूरें और एक गिलास दूध का ले लेती हूं, क्योंकि मैंने चाय पी ली थी तो मैंने खजूरें ले ली। जब भी मैं खजूरें खाती हूं तो मेरे ना दांत में बहुत ज़्यादा पेन होना शुरू हो जाता है, पता नहीं क्यों, डॉक्टर से चेक करवाना ही पड़ेगा। तो पेन की वजह से मुझे तब तक आराम नहीं था जब तक मैं नमकीन चीज़ ना खा लूँ। तो ये पॉप्स बहुत ही मज़े के थे, ये पॉप्स बहुत ही मज़े के थे, और मैं इसको खा रही थी क्योंकि मेरे जो दांत था वो बहुत ही पेन कर रहा था, तो इसको खा लेते हैं। और बाद में हमने ये मंगवाया था 2 दिन पहले का, और मैंने इसकी वीडियो बना ली थी। ये हमारा गजास जो है ख़राब हो गया था, जिसकी वजह से हमारी बुखार भी ख़राब हो रही थी, तो हमने सोचा जल्दी जल्दी इसको मंगवा के लगाया जाए। इस नए की कीमत आपको स्क्रीन पर शो कर दी जाएगी, जहाँ आप देख सकते हैं इसकी कीमत क्या है। और जी ये देखिए हमारी जो वॉल है उसका क्या हाल हो गया। तो
अब क्या किया जाएगा, मैकेनिक को बुलाया जाएगा और इसको सही करवाया जाएगा जाएगा। और ये देखें हमने इसको किस तरह से सेट किया हुआ है। तो जब तक वो नहीं आता तब तक ये मसला हमारे साथ रहेगा, और जैसे ही आएगा तो अल्हम्दुलिल्लाह इसको हल कर लिया जाएगा। तो ये देखें ये जो है ऊपर से जो तारा था वो ये इस तरह से इतने इस कदर इसको ब्लैक कर दिया गया है, और इसकी हालत इतनी ख़राब है। जब इस